हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक नए ब्लॉग में। अभी मैं आगरा में हूँ। आपने अगर लास्ट वीडियो देखी है तो फतेहपुर सीकरी में गया था घूमने के लिए, तो फतेहपुर सीकरी घूम करके मैं आ गया हूँ। मैंने booking.com से एक होटल बुक किया था बैकपैकर्स, ठीक है। तो ये जो बैकपैकिंग वाले लोग होते हैं जिनको घूमना ट्रैवलिंग करना पसंद होता है, तो उन सब के लिए रिकमेंडेड होटल है ये। तो मैं यहाँ पर अक्सर एक दो बार मैं जो होटल्स हैं उनकी लिस्ट देखता हूँ, तो ऐसे होटल्स को मैं अपनी booking.com की जो आईडी है उसमें सेव कर लेता हूँ। गाइज, ये है हमारा रूम, आपको रूम टूर भी दे देते हैं। चाबी लेनी रहती है? हाँ। ये है हमारे प्रद्युम्न भाई, और ये लगे यहाँ टीवी, एसी, ऐसा कुछ रूम है ये। इधर शीशा है, और ये यहाँ का लैट्रिन बाथरूम। तो A few moments later. अभी खाना खाने आए हैं, रात का समय हो रहा है, और ये इसका मेन्यू है। बताना चाहूँगा देख, एक दिन में से आएगी कोई चीज़, चाहे मिक्स वेज, चाहे भिंडी मसाला, जीरा आलू, आलू गोभी, दम आलू, आलू मटर, क्या मंगाए। ऑप्शन देखे कन्फ्यूज हो रहे हैं, इसमें कम से कम 500-600 ऑप्शन दे रखे हैं आगरा की और आज जगह जगह की फेमस डिश, तो कन्फ्यूजन हो रहा है। मंगा लिया है लेकिन, अरे ले आओ यार, भूख लग रही है। तो गाइस, खाना हो गया। खाना कैसा लगा? अच्छा था, बहुत खाना मस्त था, दाल काफ़ी अच्छी थी, रिकमेंडेड है। मैं इस होटल का नाम भी डाल दूंगा, इस जगह पर टाइप कर दूंगा, मुझे याद नहीं है क्या। भाई ढाबे का नाम अभिषेक ढाबा था, काफ़ी अच्छा है। बाकी हम लोगों ने भिंडी मतलब मंगवाई थी तो खा नहीं पाए पूरी पैकर वाली। अब जा रहे हैं भाई, खाना पीना खाने के बाद अब आगरा की गलियों में घूम रहे हैं, और लगभग 1 किलोमीटर हमारा जो बैक पैकर वाला होटल है वहीं पर जा रहे हैं। सो जाकर के अब केवल सो जाएंगे, भयंकर वाली नींद आ रही है। पूरे दिन घूमे, आज सुबह घर से निकला था, पूरा फतेहपुर सीकरी घूम चुका, उसके बाद आगरा में भी कुछ जगह घूम लिए, फिर अभी होटल भी बुक कर लिया, खाना पीना खा लिया, और अब जा रहे हैं। तो अभी होटल पर आ गए हैं और फटाफट अब नींद आ रही भयंकर वाली, अब सो जाते हैं, फिर मिलते हैं सुबह आपको। द नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। अभी सुबह सोकर के उठ चुके हैं, टाइम हो रहा है 7 AM, और यही सब बैग वैग सब फैले हुए हैं, सब सामान फैला हुआ है। तो सो करके उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, और उसके बाद फिर सब पैक करेंगे। ये है भाई सुबह का माहौल, धुंध साफ़ हो चुकी है, बादल हैं हल्के हल्के, बाहर धुंध ख़त्म हो चुकी है, और बस फटाफट नहाने जा रहा हूँ। नहा धो करके फटाफट निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि फिर शाम को घर भी वापस लौटना है। तो इसीलिए ताजमहल, लाल किला वगैरह जो भी मतलब आगरे का फोर्ट वगैरह है, तो वो सब आज ही घूमना है, तो इसलिए फटाफट निकलते हैं। अभी तैयार हो गए हैं और अब यहाँ से निकलने का समय है, हम निकल रहे हैं। पैकिंग वगैरह सब पूरी हो गई है, मैंने भी बैग टांग दिया है। बाकी ये रूम है अच्छा था। हम जिस होटल में आए हुए थे वहाँ बैग पैकर्स के लिए नीचे का ये पूरा सीन है, मस्त सा ऐसा कुछ, यहाँ बैठो आराम से और टीवी एंजॉय करो, ये पूरा थिएटर टाइप का है। बाकी इधर ये बना हुआ है, अगर किसी का बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेट करने को, यहाँ चीयर्स करने को, आराम से चिल करने को, मस्ती करने को, काफ़ी अच्छा। ऊपर लाइट्स लगती हैं सब। अभी हम जो रिसेप्शन वाले भैया हैं उनको ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ हैं, हम लोगों को चेकआउट करना है, सुबह जल्दी निकल रहे हैं ना, तो शायद इसीलिए वो लोग नहीं हैं अभी।
शाम को 3 बजे वापस लौटना है तो अपने लिए ट्रेन देख रहा है। अभी ताजमहल के गेट पर आ गए हैं और अभी नाश्ता करेंगे क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख लग रही है और आज ठंड भी नहीं है बिल्कुल भी। आज सुबह 8 बज रहे हैं अभी और सुबह ही सुबह अच्छी सी धूप भी निकल आई है। और ये है हमारे प्रद्युम्न भाई, सुबह नहा धो के रेडी हो गए हैं। हेलो कर दे। और अब जा रहे हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं। ये इधर है ताजमहल का गेट, तो जैसे ही नाश्ता कर लेंगे फिर ताजमहल घूमने चलते हैं। ताजमहल के सामने बैठे कैसा लग रहा है? अरे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, बताओ हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं, यहीं बैठे हैं। पहले कुछ खा लेते हैं तभी तो जाएंगे यार, जब पेट में होगा वजन तभी तो काम घूमने में और तभी घूमने में मजा आएगा। नाश्ता करने के बाद हम लोग ताजमहल के जो पश्चिमी गेट है पीछे जो दिख रहा है आपको, वहाँ से अंदर आ गए हैं और अब जा रहे हैं ताजमहल की ओर। बाकी यहाँ बंदर और कुत्ते बहुत हैं यार, अभी पीछे काफ़ी सारे बंदर थे। 5 minutes later आज एक सीन हो गया यार सुबह ही सुबह। अभी हम लोग ताजमहल घूमने जा रहे थे तो पता लगा कि आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन यहाँ आगरे में ताजमहल बंद रहता है। आगरा फोर्ट खुला हुआ है पर ताजमहल बंद है। प्रद्युम्न देख रहा है मोबाइल में, बट क्या करें यार, इतना मन था घूमने का। बाकी अब हम लोग आगरा किला की ओर जा रहे हैं। ये जो सीधा रास्ता है ये 2 किलोमीटर यहाँ से बताया, 2 किलोमीटर सीधे चले जाओ आगरा फोर्ट पहुँच जाओगे। पीछे पुलिस वाले भैया थे तो उनसे पूछा था, तो अब आगरा फोर्ट की ओर जा रहे हैं। ऐसा कुछ चारों तरफ ताजमहल के जो पार्क्स हैं उनका परिसर है, काफ़ी मस्त लग रहा है। यहाँ ना देहरादून वाली झाड़ियाँ लग रही हैं, जैसे हम लोग देहरादून में रहते थे तो जंगल होता था, वही वाली झाड़ियाँ लग रही हैं। मतलब किसी को भी ले जाओ कोने में पटक दो, काम ख़त्म। बगल में है शाहजहाँ का गार्डन और शाहजहाँ के, हाँ ये दीवारें ने ये पहले से बनी हुई है अभी बनी हुई है भाई? शाहजहाँ ने बनवाई होंगी, शाहजहाँ गार्डन है तो ये बाद में बनी हुई है। पर भाई शाहजहाँ के गार्डन में झाड़ झंकाड़ है, उसकी बेगम कहाँ रहेंगी? आ गए कि लाल किला जा रहे हैं और ये भैया हैं हमको ले जा रहे हैं, ठीक है। आज लगता है हम चोटी बांधना भूल गए हैं, पहले चोटी को बांध लेते हैं उसके बाद फिर संपर्क करते हैं। If you really wanna know, I'm full of self-doubt. And to be honest, it has never brought me down. No, 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 no. I'm really glad I'm not walking around. Told yourself.